हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बनाएंगे इमली प्याज की चटनी। ये बहुत ही फेमस चटनी है, अमृतसरी कुलचों के साथ, छोले भटूरों के साथ यूजुअली आपने देखा होगा ये चटनी मिलती है। सो इसे बनाना भी सुपर इजी है एंड दिस इज़ सो टेस्टी, सो अमेजिंग, एंड कोई भी इसे बना सकता है। आई मीन द बिगनर्स कैन ऑल्सो मेक दिस। बहुत ही स्क्रैच से वीडियो बनाया है, सो आई एम प्रिटी श्योर यू विल लाइक इट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। तो इस चटनी को बनाने के लिए मैंने यहाँ ली है 100 ग्राम्स ऑफ इमली। तो 100 ग्राम्स की ये जो इमली है ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में इसकी चटनी बनने वाली है, लाइक अराउंड 20 पीपल, तो अच्छी खासी क्वांटिटी बनेगी। तो आप अकॉर्डिंगली अपनी क्वांटिटी ले सकते हैं। तो अगर आपने भिगोई नहीं है इमली तो आप 2 कप पानी को बॉयल करके बस 2 घंटे के लिए छोड़ देंगे इमली में डालकर, तो भी आपका काम हो जाएगा, ये सॉफ्ट हो जाएगी। बेसिकली हमें इसे सॉफ्ट करना है, तो उबलते हुए पानी में हम इस इमली को डाल देंगे, या फिर आप रात भर नॉर्मल पानी में भी छोड़ सकते हो। इफ़ आप भूल चुके हो तो आप बस इस तरीके से 2 घंटे के लिए गर्म पानी में छोड़ दो, एंड 2 घंटे के बाद जब आप देखोगे तो इसमें काफ़ी सॉफ्ट हो चुकी होगी, काफ़ी स्क्विशी हो चुकी होगी। तो अब इसमें आपको क्या करना है, इसमें बीज भी होते हैं। सो वैसे तो ये बिना बीज की इमली थी, बट टू बी श्योर हम इसमें थोड़ा सा यू नो एकदम क्लीन हैंड्स के साथ चेक कर लेंगे उंगलियों से, और इसको थोड़ा सा मसल लेंगे और देख लेंगे कि जो भी हार्ड पोर्शन है वो भी थोड़ा सॉफ्ट हो गया है या नहीं। सो दिस इज़ परफेक्टली डन। अब एज़ इट इज़ इस सोल्यूशन को हम ग्राइंड कर लेंगे मिक्सर में बहुत ईजीली, 2 सेकेंड भी नहीं लगते इसको ग्राइंड करने में, और उसके बाद हम इसको छान लेंगे बिकॉज इसमें काफ़ी कुछ होता है इमली में। तो इसको अच्छे से हम छान लेंगे और एकदम स्मूथ फाइन पेस्ट हमारा इस तरीके से रेडी हो जाएगा। सो ये है हमारा इमली का पल्प प्रॉपरली रेडी हो चुका है। अब हम लेंगे यहाँ पर 3 अनियन, 1 कप फ्रेश कोरिएंडर यानी फ्रेश धनिया, एंड 1/4 कप मैंने लिया है पुदीने के पत्ते। सो इस पूरी रेसिपी में मैंने 3 अनियन लिए हैं, यहाँ 2 देख रहे हैं बट मैंने बाद में एक और ऐड कर दिया था। तो ये आपकी चॉइस है आपको कितने अनियंस लेने हैं, आप क्वान्टिटी के अकॉर्डिंग ले सकते हो। तो इसको हमें करना है फाइन चॉप, मतलब ज़्यादा छोटा भी नहीं तो बहुत बड़ा भी नहीं, बिकॉज थोड़ा सा तो मुंह में प्याज आना चाहिए जब आप चटनी खाते हो। सो लाइक दिस। तो मैंने यहाँ चॉपर यूज़ करा, आप हैंड्स भी यूज़ कर सकते हो, सो जो भी आपको कंफर्टेबल हो। बेसिकली ये हमें कंसिस्टेंसी चाहिए, ये साइज़ चाहिए, और ये जो चीज़ें मैंने एक साथ अपनी चॉपर में चॉप करी थी वो हम अपनी पल्प इमली के पल्प में डाल देंगे, एंड देन वील मिक्स इट अप। अब इसमें हम डालेंगे कुछ मसाले। तो मैंने डाला है 1 टीस्पून भुना जीरा पाउडर, 1 टेबलस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर फॉर नाइस कलर, देन 1 टीस्पून ब्लैक सॉल्ट, 2 टीस्पून वाइट सॉल्ट और एज़ पर योर टेस्ट, जितना भी आपका फ्लेवर है नमक का, देन 3.5 चम्मच मैंने यहाँ भूरा डाला है यानी पिसी चीनी, तो ये भी एज़ पर टेस्ट है। मसाले आप कम ज़्यादा अपने अकॉर्डिंग, अपने फ्लेवर के अकॉर्डिंग चख कर सकते हो। तो ये बेसिकली मेरा फ्लेवर बैठा हुआ है, तो ये मैंने अपने अकॉर्डिंग मसाले इसमें ऐड करे हुए हैं। आप बेशक इसमें आप प्लस माइनस जो आप करना चाहो कर सकते हो मसालों के साथ। देन इसमें हम डालेंगे 2 कप पानी, और टोटल मैं पानी में इसमें 2 कप और डाल रही हूँ, क्योंकि आपने देखा होगा ये जो चटनी हमें जो बाज़ार में मिलती है बड़ी ही एकदम पानी जैसी होती है। तो इसकी कंसिस्टेंसी आपके हाथ में है, अगर आपको गाढ़ी चाहिए तो आप कम पानी डालिए, अगर पतला चाहिए तो 2 कप पानी डालिए। सो दिस इज़ टोटली अप टू यू। पतला करने से क्या है ना, इसका खट्टापन थोड़ा सा कम हो जाता है, अगर ये आप गाढ़ी रखेंगे ना तो खट्टी ज़्यादा लगेगी। सो इट्स टोटली योर चॉइस, आप टेस्ट करके अपने अकॉर्डिंग इसको टेलर मेड कर सकते हैं। सो इन्जॉय इट विथ छोले भटूरे, अमृतसरी कुलचे, नान, एंड लेट मी नो योर फीडबैक इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो।